गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसियों पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि देश से लेकर विदेश तक में होने वाली घटनाओं पर ट्वीट कर आपत्ति जताने वाले कांग्रेस और उनके चचा दिग्विजय सिंह ने हिंदू को कुत्ता बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली घटना पर एक शब्द भी नहीं कहा, और ना उनके नाथ ने, जो सबसे बड़ा हिंदू होने का दिखावा करते हैं, ना उन्होंने कुछ बोला। इससे साबित होता है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गले में पट्टा बांधकर भौंकने के लिए बाध्य करने जैसी अमानवीय घटनाओं पर भी ये कांग्रेसी चुप्पी साधे बैठे हैं। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाने वाली मानसिकता को ही हम कुचल देंगे। अभी तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गीता प्रेस को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था तब से गीता प्रेस रामायण और गीता देश के अंदर छाप रही है, लेकिन विकृत मानसिकता के लोग कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं। इसलिए प्रमोद कृष्णम ने ठीक कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में इटालियन कल्चर का जो कांग्रेस के अंदर प्रवेश हुआ है, इटालियन कल्चर वाले समझ नहीं सकते गीता प्रेस की इस भारतीय और सनातन के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्ता है। व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचाजान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां एक शब्द नहीं बोला इनने, एक ने निंदा नहीं की, और बुलडोजर चलने पे आपत्ति कर रहे हो। सारा काम विधि सम्मत हुआ है, विधि के अनुसार सरकार काम कर रही है, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है, आप कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कहा कि कमलनाथ अभी तात्कालिक रूप से छिंदवाड़ा में हारे हैं, उस हार की समीक्षा करने के लिए छिंदवाड़ा जा रहे हैं। मेरी उन्हें व्यक्तिगत सलाह है कि छिंदवाड़ा में थोड़ा समय दें, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान छिंदवाड़ा में ही होने वाला है। कमलनाथ के चक्की वाले बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ उद्योगपति हैं, पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। वह बीच बीच में समय समय पर इस तरह की अधिकारियों कर्मचारियों की बात बोलते रहते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। ये जो खिसियाहट है कि हमारी चक्की बारीक पीसती है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अब मिक्सर का जमाना आ गया है, आप अभी चक्की पर ही अटके हो। ये गीता प्रेस जब से रामायण गीता देश के अंदर छाप रही है, जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन विकृत मानसिकता के लोग कभी कभी कुछ तो भी बोल जाते, और इसलिए प्रमोद कृष्णन जी ने ठीक कहा है, ये इटालियन कल्चर का जो कांग्रेस के अंदर प्रवेश हुआ है ना पिछले कुछ वर्षों में, वो इटालियन कल्चर बारे समझ नहीं सकते गीता प्रेस की इस भारतीय और सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्वता है। इनकी आपत्ति सिर्फ यही है क्योंकि वो गीता और रामायण छापती है और उनकी छपी हुई हर गीता और रामायण हिंदुस्तान के हर नागरिक के मंदिर में रखी रहती है, बस यही आपत्ति है, यही तुष्टिकरण की राजनीति है। दरअसल कमलनाथ जी क्या उद्योगपति व्यक्ति है, पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि उनको ये शोभा नहीं देता है। वो बीच बीच में समय समय पर इस तरह की अधिकारी और कर्मचारियों के बात बोलते रहे कि हम कल है, आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, ये जो खिसियाहट है ना, अरे कमलनाथ जी मिक्सर का जमाना आ गया, बुजुर्ग आदमी हो आप, अभी चक्की पे ही अटके हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।